हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चौथी कक्षा के जो छठी अध्याय है एक बूंद के विषय का जो प्रश्न उत्तर है उसे मैं विस्तारित रूप से बताने जा रहा हूं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, संपूर्ण कविता का भाव अपने भाव से लिखो। वो तो नहीं हुआ तो प्रश्न एक जो इस पद का सरल अर्थ लिखो। कौन सा पद? लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। फिर से, लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। उत्तर है, जब बूंद बादल की गोद से निकलता है तब उनको यह पता नहीं चलता कि वो कहां गिरेगा और उसका हालत क्या होगा, फिर भी वो अपना कर्तव्य निभाने तथा धरती को शीतल करने के लिए नीचे आके गिरता है। पर इंसान अपने कर्तव्य निभाने तथा घर परिवार को चलाने के लिए बाहर निकलने के लिए झिझकता है, जबकि उसे हर हाल में यह कर्तव्य निभाना है। तो घर के बाहर निकलने का जो सीख इंसान को बूंद से सीखना चाहिए। फिर से, जब बूंद बादल की गोद से निकलता है तब उनको यह पता नहीं चलता कि वो कहां गिरेगा और उसका हालत क्या होगा, फिर भी वो अपना कर्तव्य निभाने तथा धरती को शीतल करने के लिए नीचे आके गिरता है। पर इंसान अपने कर्तव्य निभाने तथा घर परिवार को चलाने के लिए बाहर निकलने के लिए झिझकते हैं, जबकि उसे हर हाल में ये कर्तव्य निभाना है। घर के बाहर निकलने का सीख इंसान को बूंद से सीखना चाहिए। प्रश्न दो, यदि बूंद जमीन पर गिर पड़े तो क्या होगा? उत्तर है, यदि बूंद जमीन पर गिर पड़े तो वो जमीन के साथ घुल मिल जाएगा। फिर से, यदि बूंद जमीन पर गिर पड़े तो वो जमीन के साथ घुल मिल जाएगा। प्रश्न ख, दो नंबर का ख, यदि किसी खेत में गिरे तो क्या होगा? उत्तर है, यदि किसी खेत में गिरे तो फसल को उपजाऊ बनाएगा। प्रश्न ग, यदि कमल के पत्ते पर गिरे तो क्या होगा? यदि कमल के पत्ते पर गिरे तो बहकर नीचे गिरेगा। फिर प्रश्न घ, यदि समुद्र में गिर जाए तो क्या होगा? उत्तर है, यदि समुद्र में गिर जाए तो पानी में मिलकर बह जाएगा। प्रश्न हुआ, यदि सीप में गिर जाए तो क्या होगा? तो यदि सीप में गिर जाए तो मोती बन जाएगा। फिर प्रश्न तीन देखो, कुछ शब्द दी गई है, उन शब्द को हमें सही अर्थ वाले शब्द लिखना है, उनका अर्थ लिखना है। नीचे दिए गए शब्द का अर्थ लिखो, जैसे जी, जी शब्द का अर्थ है मन, हृदय भी कह सकते हैं तो मन। वैसे बदा लिखा, चू बह जाना, समंदर सागर, झिझकना हिचकिचाना, अक्सर हमेशा। फिर से, जी मन, बदा लिखा, चू बह जाना, समंदर सागर, झिझकना हिचकिचाना, अक्सर हमेशा। ओके,